सारे अच्छे होंगे। तो मैं हिमाचली गर्ल मोनिका आपके सामने लाई हूँ एक छोटा सा और ब्लॉग। और आज है संडे, तो अभी हम कुछ नया काम कर रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको, हमारी बहन आई है, उसको आज छुट्टी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ब्लॉग बनाए। तो बने रहिए हमारे साथ। गाइज, अभी हम आपको दिखाते हैं हमने कितने कपड़े धोए हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हो आप ये वाले, फिर यहाँ आधा तो सूख भी चुके हैं और आधा है यहाँ पर कंबल वगैरह 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 सॉन्ग आप देख सकते हो। अभी आधा तो हमने सूखे हुए अंदर रख भी दिए। तो ये है पतली गुल वेदर, आप देख सकते हो सुबह बिल्कुल साफ था और अभी हो चुका है बिल्कुल ही ख़राब। ये इनसे, ये है हमारी छोटी बहन जो हॉस्टल में होते हैं, और अभी ये कुछ नया कलाकारी कर रहे हैं और हम दिखाएंगे आपको। जो आपके पास ऐसी बाल्टियाँ होती है उन्हें आप वेस्ट ना करें, कृपा करके वेस्ट ना करें। ये आती है बहुत सारे कामों में, जैसे ये रंग वाली बाल्टी होती है, इसका आप यूज़ कर सकते हो गमले गमले के लिए, इसे सजाने के लिए, फूल के लिए। तो गाइस हम बताएंगे, अभी हमारी बहन ने इनमें किया है कलर, बाकी अभी बारिश भी स्टार्ट हो रही है और हम आपको फाइनली बाद में दिखाएंगे कि ये किस तरह इनको डेकोरेट करेंगे। आपको पता ही है फूल वगैरह हमारे घर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हाँ, ये वाला देखिए आप, ये एक डब्बा ही है वो कलर वाला, और अभी ये इन्हें करेंगे डेकोरेट। लाई है एक बाल्टी मिट्टी की और हमने भरनी है अभी इसमें, तो हाँ इससे गमले खूबसूरत ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट भी करते हैं ये, इसीलिए अभी हम मिट्टी डालेंगे और फूल हमने कल परसों लाने हैं, फिर लगाएंगे हम इनमें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, बारिश भी लगी है, मुझे कपड़े उठा रही है, बाय बाय गाइस। सो गाइस अभी हम डाल रहे हैं मिट्टी इन बाल्टियों में और मैं आपको एक दिखाती हूँ इसने कैसे बनाया है। ये देखिए सिंपल सा लग रहा है बट गमले से तो अच्छा ही लग रहा है, मेड घर में बनाया हुआ खुद से पैसे बचाकर तो हमारे हाथों की हालत आप देख सकते हो, बारिश पड़ गई और इन्होंने हमारा काम तमाम कर दिया है। यहाँ देखिए और इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो चुकी है। और अभी हमने रखे यहाँ पर आधा और अभी है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप देख सकते हो बारिश ने कैसा कर दिया है गीला गीला। तो ऐसा होता है देखो, पहले जैसे बारिश पड़ गई हमारा काम तमाम हो गया और अभी 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 आ रही है धूप और हमारे हाथ की हालत कलर से कैसी हो चुकी है। तो गाइज ये है पतली गुल का बादल, हमारे काम का देखो अब क्या हाल हो चुका है। की वजह से हमने यहाँ पर ट्रांसफर किए थे सारे और अभी दो तीन इनमें रहे हैं
हमारी मिट्टी डालने को जो अभी ये डाल रही है। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको एंडिंग में क्या क्या बना इसका। गाइस मैं आपको एक बात और आजकल ना लोग मतलब कुछ भी काम करते हैं तो वो बोलते हैं लाइक वो मिट्टी को छूने से भी बोलते हैं कि छी मिट्टी इतनी गंदी हो। तो पहले ना हम मतलब अपने हाथों से सारा काम किया करते थे विदाउट एनी ग्लव्स। सो आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ही संकोच करती है इस चीज़ को करने के लिए कि जो है मैं कुछ भी काम जो है वो विदाउट ग्लव्स नहीं कर पाऊँगी। ये हमारी प्यारी बहन और इसे पढ़ने ये साफ करने देखिए फाइनली सारा काम खत्म कर दिया है और टाइम हो चुका है 6:30 और आप देख सकते हो बादल कैसे आ चुके हैं। गाइस ये बनाए हैं इसने और मेहनत दोनों की लगी है बराबर है ना। नहीं सिर्फ इसमें आपकी ब्लॉग मनिका ठाकुर की मेहनत लगी है। इतनी खुशी। तो अगर आपको ये काम सीखना है इसको कैसे बनाना है तो आप अपने जो ब्लॉगर मोनिका ठाकुर है उसके पास आइए और इन्हें जो इस काम के बारे में बहुत अच्छी सी नॉलेज आई वो शी विल टीच यू एज वेल वेरी नाइस बना सकते हैं और साथ ही साथ आप वेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। हाँ ये वेस्टेज ही था और हमने इसका ऐसा बना दिया और सुंदर भी लग रहे हैं काफी हद तक। हाँ, ज्यादा लोग क्या है बाल्टियाँ खत्म क्या हुई तो ले जाते हैं उसे कूड़े में फेंकने के लिए। इस अच्छा कि ना हम इस चीज़ से कुछ क्रिएटिव थिंग्स बनाए जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे गमले तो हमने मिट्टी भी ऐसे पड़ी थी बाहर मिट्टी तो होती है बाहर भाई तो हमने वो वहाँ से लाई। तो आइए आपको मिलाते हैं मिस मोनिका ठाकुर से। सो गाइस देखिए हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर बना है और साथ साथ में अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो गाइस आपको पता है हमारे हाथों में अभी भी देख सकते हो आप कलर ही कलर है और ख़ासकर मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है सफाई करने में क्योंकि जो कलर होता है वो आसपास ऐसा चिपक जाता है ना एकदम चिपकू टाइप का तो उसको निकालने में ना टाइम ही लगता है। जितना हमारे को इनमें डिज़ाइन करने का लगा उस उतना ही टाइम हमारे को सफाई करने में लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर फैला हुआ था और वो तो पानी से जाने वाला है नहीं तो हमने तारपिन वगैरह से उसको मिटाया। फिर अब भी जाकर हम फ्री हुए और अभी हम नहाएंगे मासी वगैरह आने वाले हैं तो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो हमारे साथ बने रहिए और आज का ब्लॉग ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी नहीं अभी इसके बाद अब क्या करेंगे सुबह तो हम आपको दिखा नहीं पाए लेकिन इसके बाद जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आज देखिए आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमें सुबह मौका ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का तो अभी हमने स्टार्ट ही किया था तो शायद ये लंबा बन जाएगा थोड़ा ब्लॉग तो आप ज़रूर देखना और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इसके चैनल को भूले। तो अभी है हमारे पास बहुत सारा काम क्योंकि मम्मी पापा आने वाले हैं और तो आप अपनी प्यारी सी ब्लॉगर मिस मोनिका ठाकुर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस अब आए हैं हम आपके सामने एक चैलेंज लेकर तो हमने सोचा क्यों ना हम एक गाना गाए। मेरी आवाज़ तो बहुत गंदी है बट इसकी थोड़ी अच्छी है थोड़ी नहीं बहुत अच्छी है। झूठ बोलती है इसकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा सुन नहीं गाई तूने नहीं बोला गाना गाना मैंने कब बोला तूने बोला आते हो तूने नहीं बोला गाना गाना मैंने नहीं बोला। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी फेवरेट तो ये हमारी फेवरेट वन हमारे कृष्णा जी और हमारे नाग धूमल जी थक चुके हैं तो अभी हम नहाएंगे फिर खाना बनाएंगे फिर तब तक को टाइम हो जाएगा 9:30 तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड नहीं तो
अभी मेरी बहन ने कुछ बोलना होगा आपको। तो फाइनली हम कर रहे हैं एंड ब्लॉग को, और आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके सामने लाते रहेंगे